उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में महिला थाना पुलिस ने दो पत्नियों के पति को जेल भेजा। आपको बता दें, अनिता पुत्री जोगराज सिंह निवासी गांव मुरादपुर हापुड़ की शादी 15 मई 2005 को बड़े ही धूमधाम से व रीति रिवाज से गाजियाबाद के गांव भमेटा के रहने वाले नवीन पुत्र राजपाल से हुई थी। नवीन भमेटा में सिलाई का कार्य करता था। नवीन अपनी पत्नी अनिता को 10 या 11 साल पहले अपनी ससुराल छोड़कर चला गया था। तभी से अनिता अपने पति की तलाश कर रही थी। कभी अपने ससुराल जाकर तलाश करती तो कभी अपने रिश्तेदारों में तलाश करती। एक दिन अनिता को पता चला कि नवीन ने सुमेरा सिंह नामक महिला से दूसरी शादी कर ली है। तभी से अनिता ने सुमेरा सिंह की तलाश शुरू कर दी और महिला थाने में एक तहरीर दे दी और अनिता ने किसी तरह से नवीन की दूसरी पत्नी सुमेरा सिंह का पता लगा लिया। हापुड़ थाना महिला पुलिस अनिता व सुमेरा सिंह ने मिलकर नवीन को तलाश कर लिया और जनपद हापुड़ के महिला थाना ले आई। सुनते हैं नवीन की दूसरी पत्नी सुमेरा सिंह को उनका क्या कहना है। मेरा नाम सुमेरा सिंह है और समस्या मेरी यह है कि नवीन ने मुझे अपना नाम नवीन ना बता के प्रेम बता के शादी की, जो कि मुझे नहीं पता था कि पहले से शादीशुदा है। मुझे पहले से यही पता है कि मेरी पहली बीबी थी, लेकिन डिलीवरी के टाइम एक लड़की को जन्म दिया और ख़त्म हो गई और उसी साथ लड़की भी ख़त्म हो गई। और इन्होंने मेरे से 30 जनवरी 2015 में शादी की। 1 जुलाई 2020 में इन्होंने मेरे साथ छोड़ दिया। उसके पहले कई बार गए हैं, मुझे नहीं पता कितनी बार, और जब भी गए हैं या तो मकान मालिक का 20-30 हज़ार रुपये कर चढ़ा के गए हैं या किसी से ले गए, तब गए हुए हैं। इस बार इन्होंने हर बार मैं फ़ोन करके ढूंढ लेती थी, बुला लेती थी, पर इस बार इन्होंने इतना हद कर दिया। ज्वेलरी तक मैंने चोरी करके लेके मतलब दे दिए कर्ज में। उसके अलावा मकान मालिक का 40-45 हज़ार रुपये कर्ज किए। उसके अदर में अपने दोस्तों यारों सबसे पैसे लगे। आज भी मेरे पास दोस्त इनके पैसे और गए। उसके बाद इन्होंने मुझे मिलेंगे और मुझसे ये बोल के गए मैं गाजियाबाद अपनी बहन के पास जा रहा हूँ किसी काम से, पर उसके बाद आए नहीं। इसी बीच मेरे पास इनकी पहली पत्नी अनिता का फ़ोन गया और इन्होंने बताया, तब मुझे पता चला कि ये समस्या और ये चलेगा। उसके बाद इन्होंने अपना जाते समय नंबर वंबर सब कुछ बंद किया। मेरी समस्या ये कि इनसे मेरा बच्चा है, अब आप लोग बताओ कि मैं कैसे क्या करूँ, मेरे को इंसाफ मिला मेरे साथ क्या। और मैं ये नहीं चाहती कि किसी और लड़की के साथ यही घटना हो, क्योंकि इनकी पत्नी होते हुए मेरे शादी की और फिर मेरे को भी छोड़ के फिर दूसरे के पास गए, तो उस लड़की से भी 2-4 साल रहेंगे फिर दूसरे के पास जाएंगे, बच्चे इनसे भी है, बच्चे मेरे से भी। अब क्या चाहते हैं? अब मैं ये इनको तो सज़ा पूरी तरह से देना चाहती हूँ, मैं इनके साथ मिलना चाहती हूँ, बाकी मैं इनको सज़ा ही देना चाहती हूँ। अभी आपने सुना नवीन की दूसरी पत्नी सुमेरा सिंह को, जिसने आप बीती बात सुनाई। और अब सुनते हैं नवीन की पहली पत्नी अनिता को, जो नवीन के पकड़े जाने से खुश है। मेरा नाम अनिता है, मैं आप क्षेत्र की रहने वाली हूँ, नई मंडी से। मेरे पिता का नाम जोगराज सिंह था, मेरे साथ हुई थी बमेटे, नवीन कुमार के साथ में हुई थी। उनके पास अब छोड़ चले गए थे, उनको जिस ढूंढ ढूंढते मुझे टाइम आ लिया, ढूंढ कर मेरी समस्या सल हो रही है। दरोगा जी मेरी भूतल करी सर, मैंने सर गिरफ्तार कर लिया है सर, मैं बहुत खुश हूँ जब मेरी समस्या में हल हो गई। तो इन्होंने आपको धोखा क्यों दिया था सर? ये मुझे नहीं पता क्यों धोखा दिया था। जिस टाइम शादी हुई थी उससे सबको सही था सर, बाद में पता नहीं क्या हुआ नहीं सर, जहाँ चाहते थे क्या रहते थे सर, मैं छोड़ में ही चले जाते थे सर, जहाँ जाते किराया चले, मेरे मम्मी पापा किराया देकर आते थे, हमारे सामान देकर आते, मेरा बच्चा बीमार रहता है सर, मेरा लड़का है उनका ही। आप सभी ने नवीन की दोनों पत्नियों को सुना, नवीन ने कैसा धोखाधड़ी से सुमेरा सिंह से 30 जनवरी 2015 को शादी कर उसके साथ धोखा कर और अपने मकान मालिक से कर्जा लेकर चला गया और अपनी पत्नी सुमेरा सिंह को परेशानियों के साथ 1 जुलाई 2020 को छोड़कर चला गया। नवीन के पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पर नवीन की पहली पत्नी अनिता भी अपने आप को खुश बता रही है। जनपद हापुड़ की थाना महिला पुलिस ने दो पत्नियों के पति नवीन को न्यायालय में पेश कर सलाखों के पीछे भेज दिया। ATC फास्ट न्यूज ब्यूरो हापुड़।